लानत है, ये कोई पांव थूकने जगह है? ये पाकिस्तानी होते ही ऐसे अजीब पागल आवाम है। ये पाकिस्तानी? क्या तुम पाकिस्तानी नहीं हो? अपनी मर्जी से नहीं, बाय डिफॉल्ट यहीं पैदा हो गया हूँ इसलिए पाकिस्तानी हूँ, लेकिन दिल से नहीं हूँ। गलत बात है, एक पाकिस्तानी की वजह से सारे पाकिस्तानियों के गलत कहना गलत बात है। गलत क्या कहा है मैंने? ये तो इनकी आदत है, जगह जगह पे थूक देना, गुटखा खाना, पान खाना, पेशा है इनका ये। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ऐसा मुल्क मिला है जहाँ हम सुख का सांस ले सकते हैं। पता नहीं है कि हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियाँ देके हमारा मुल्क आज़ाद कराया है। कुर्बानियाँ कुर्बानियाँ सुन के मेरा दिमाग पक गया है, इसलिए मुल्क को आज़ाद करवाया था कि इसको गंदा कर सके। इससे अच्छे तो अंग्रेज थे, कहीं हमारा लिविंग स्टैंडर्ड होता, हमें फैसिलिटीज मिलती। सल्टिस, अंग्रेजों को तुम तलवे चाट रहे होते, मेरे आगे बदतमीजी मत करो। बदतमीजी? बदतमीजी नहीं, जो चीज़ मैंने देखी नहीं है उस पर मैं यकीन कैसे करूँ? आप भी तो यहीं पैदा हुए हैं, आपको क्या पता। छोड़ो छोड़ो, वापसी में झंडिया ले आना, कल 14 अगस्त है। फिर से झंडिया? कल जब हम 14 अगस्त मना चुके होंगे वही झंडिया और झंडे हमारे पाँव के नीचे रुल रहे होंगे, क्या फायदा इस 14 अगस्त मनाने का? वो झंडे और झंडिया हमारे पाँव के नीचे आ रहे होंगे। है रे, ले आना, छोटे ने मंगाइए। अच्छा, मैं नुमान के घर जा रहा हूँ, वापसी पे ले आऊंगा। अबे हट, उठ 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 बे, उठ उठ चल से पानी, चुप आवाज दे, चुप पैसे दे, चुप एक भी आवाज आएगी मार पड़ेगी तुझे, पानी चुप। मैंने क्या बोला? आवाज तक नहीं आनी चाहिए तेरी, बस। बेगम हमजा नहीं आया, पता लगा कोई भाभी है? किसी दोस्त के घर रह गया होगा। जब आए तो निपटा देना। उठ रे, उठ। चुप है, और चुप कर, बहुत पानी पीना तुझे। पानी चाहिए? उठे उठे उठ, चल पी लिया पानी, चल चल उठ, चल मेरे पांव दबा, उठ मेरे पांव दबा, चल चल। क्या बोल रहा एक बात होनी है, बोल। मेरा अब बहुत अमीर है, आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, वो आपको जितने पैसे आप मांगे वो आपको दे देंगे। तुमने बोला था एक बात है, एक बात है ये। चल पाउंड दबा। सलाह भागे मेरा से भागे। नेक्स्ट मॉर्निंग। बेगम हम तो रात को नहीं आए। आप उसे किसी दोस्त से पता करें ना। अभी करता हूँ। क्या हम तो रात को चीज रहे ना? अच्छा ठीक है, के बारे में मुझे कुछ पता है? नहीं पता। कुछ पता चला हमारा हमजा का? कुछ नहीं पता चला।
आप अपने उस दोस्त से बात कीजिए ना जो ऐसे चूहे है। करता भाई, तुम्हारे बेटे को गुलामी और आजादी का सबक सही मिल गया होगा। हाँ यार, सही मिल गया। आजकल के लड़कों को यही सबक मिलना चाहिए। सही कहा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक है भाई। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अमित शेख कदी अपनी सारी टीम के साथ आपको योम आजादी के इस मौके पर बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। योम आजादी, इसका मतलब क्या है? यानी सिर्फ 14 अगस्त वाले दिन झंडे झंडियाँ लगाकर अपनी आज़ादी में ना लेना? नहीं, इसका मतलब है अपनी आज़ादी को महसूस करना। कोई कश्मीरियों से पूछे जो पिछले 1 साल से अगर देखा जाए तो अपनी सारी ज़िंदगी से वो कैद बंद में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनसे कोई उनकी आज़ादी के बारे में पूछे, वो आज़ादी के लिए तड़प रहे हैं, और जिनको आज़ादी मिली है वो उसकी कदर ही नहीं करते। बस 14 अगस्त वाले दिन झंडे झंडियाँ लगाकर हुल्लड़बाजी कर कर हम जश्न आज़ादी मना लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इस आज़ादी के अगर सोचा जाए, इस आज़ादी के पीछे कितनी कुर्बानियां हैं। हमारे बाजदाद ने इतनी कुर्बानियां दी हैं इसके पीछे जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आपको योम आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, इलामा इकबाल